आपने देखा होगा मैं अपने चैनल के ऊपर सेहत से मुताल्लिक, सेहत की हिफाजत से मुताल्लिक ऐसी बेज़रर चीज़ें जिनका कोई नुकसान ना हो उससे आपको आगाह करता हूँ। आज मैं जो गली की एक तकलीफ़ होती है जिसमें आवाज़ भी बैठ जाती है, आवाज़ निकलती नहीं है या आवाज़ भर्रा जाती है, जिसे हम होर्डनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, इसके सिलसिले में बात करता हूँ। नज़ले का जब गले पर असर हो जाता है और ये शिकायत पैदा हो जाती है तो फिर ये और नीचे भी पहुँच सकती है, ट्रेकिया में आ सकती है, लंग्स में आ सकती है। तो हम डॉक्टर्स पे जाने से पहले, गैर ज़रूरी दवाएं खाने से पहले हमको सोचना चाहिए हम किस तरह ऐसी दवाओं से कि जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है हम उसे किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं लौ के बादाम। बादाम आप जानते हैं आलमंड को बोलते हैं, इसका लौ, लौ के मीन मायने होते हैं एक चाटने वाली दवा जिसको इंग्लिश में लिंक्टस बोलते हैं। खांसी के लिए, गले के लिए, फेफड़ों के लिए जो दवा चाटी जाती है उसे इंग्लिश में लिंक्टस कहा जाता है और यूनानी में लौ बोला जाता है। तो लौ के बादाम जो है इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमें नुकसान दे। देखिए इसमें पहले तो बादाम है, बादाम का तेल है, आलमंड ऑयल है, अकेशिया अरबिका जिसको हम समग अरबी बोलते हैं, कीकर का गुंद बोलते हैं, ये है रुबेसूस, आप समझते हैं कि जो मलेठी होती है, गिले सरदा गलेबरा जिसे कहा जाता है, इसका एक्सट्रैक्ट होता है एक किस्म का, इसे रुबेसूस बोलते हैं, मलेठी का सत वगैरह कहते हैं। इस किस्म की चीज़ें इसमें शामिल हैं, कद्दू के बीज हैं, ये सब। हमारा एक टर्म है यूनानी में, इसमें खशुनतु रिया, फेफड़े की नालियों में खुश्की का पैदा हो जाना, तो ये उसमें खुश्की को दूर करते हैं और होर्डनेस वाइस में फ़ायदा करते हैं। गले की खराश हो, लैरिंजाइटिस यानी कि हंजरे का वर्म जिसको हम बोलते हैं, वॉइस बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम हो गई वो हो, या सूखी खांसी हो या परेशान कुन खांसी हो, उसमें आप तबीब के मशवरे से इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कि डोज 5 ग्राम से 10 ग्राम बालिग लोगों के लिए और बच्चों के लिए 3 से 5 ग्राम इसे दे सकते हैं। कुछ ज़रर वाली दवा इसमें नहीं है कि जो नुकसान पहुंचा दे, लेकिन आप समझते हैं कि मैं कभी डायरेक्ट अपनी सेहत से खेलने की इजाज़त नहीं देता हूँ, तबीब के मशवरे से ही आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ऐसी बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फिर किसी और हेल्थ इशू के साथ में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।